नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। आज बात कर रहे हैं भय्यू जी महाराज की, जिन्होंने अध्यात्म से लेकर की उनकी कहानी आत्महत्या तक, क्योंकि एक ऐसा संत जिसने अध्यात्म का रास्ता दिखाया और लोगों के अंदर एक ऐसा मोटिवेशन, एक ऐसा शक्ति जगाने की काम किया कि जिसने कहीं ना कहीं उन इंसानों को जगाने का काम किया जो हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन भय्यू महाराज अपनी ही जिंदगी में हिम्मत हार गए और उन्होंने रास्ता अपना लिया सिर्फ आत्महत्या का। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक इंसान जो दूसरों को सलाह देता हो, जिंदगी किस तरीके से जी जाती है, किस तरीके जिंदगी का सलीका क्या होता है, और वही व्यक्ति आत्महत्या का रास्ता अपना ले, तो फिर इस ऐसे अध्यात्म और ऐसे संत से कहीं ना कहीं एक उम्मीद की जो किरण होती है वो कहीं ना कहीं दूर होती चली जाती है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां भय्यू जी का आश्रम है, वहां अगर लोगों की बात सुनी जाए, अगर बात पर गौर किया जाए, तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से निकल के आती है कि भय्यू जी महाराज ने कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं कि अगर आदमी सभी जगह से हिम्मत हार जाता है, लेकिन परिवार से हार जाता है, और उनकी मौत का कारण परिवार सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। हमें आपको बताता हूँ कि भय्यू जी महाराज ने जब आत्महत्या की थी, उससे पहले उन्होंने 3 नंबरों पर बात की थी और 3 नंबरों पर 100 बार बात हुई है। ये चौंकाने वाला एक खुलासा है जो कहीं ना कहीं संदिग्ध घेरे में इस सिचुएशन को लाता है कि अगर तीन नंबरों पर बात हुई थी तो 100 बार किस व्यक्ति से बात हुई है। भय्यू जी महाराज आत्महत्या केस की जांच में जुटी पुलिस ने अपनी जाँच की दिशा बदल दी। अब पुलिस इस बिंदु पर जांच कर रही है कि किसी ने भय्यू जी महाराज को आत्महत्या के लिए मजबूर तो नहीं किया था। अब पुलिस इसी दिशा में सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है। इस मामले में जांच दल ने साइबर सेल की मदद भी ली है और साइबर सेल की मदद से कहीं ना कहीं उन्होंने 3 जो संदिग्ध है, जिनके नंबर पर 100 बार कॉल हुई है भय्यू जी महाराज की, आखिर क्या है मसला कि 3 व्यक्तियों से 100 बार कॉल करने का मतलब क्या है। अगर कोई इंसान परेशान होता है तो घर में पूरे दिन बंद कमरे में बैठा रहता है और सोच विचार करता रहता है, लेकिन भय्यू जी महाराज का जो खुलासा पुलिस ने किया है कि 3 नंबरों पर उन्होंने बात की है आत्महत्या से कुछ देर पहले, और ये भी खुलासा हुआ था कि वो आत्महत्या से कुछ घंटों पहले एक रेस्टोरेंट में किसी महिला से मिले थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संदिग्ध घेरे में घटना को लेकर के आती हैं, और अभी सिर्फ एक ही नहीं, कई ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं संदिग्ध घेरे में को लेकर चलती है। आपको मैं बता दूं कि इसके साथ पुलिस की नज़र होने से वाले कुहू के बयान पर भी टिकी है। हालांकि गुरुवार को फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद जब जाँच अधिकारी के मुताबिक कुहू ने, यानी कि कुहू उनकी बेटी है, कुहू ने उनसे बयान पर टिकी है, लेकिन हालांकि गुरुवार को फोन पर बातचीत के बाद जांच अधिकारी के बाद कुहू ने सौतेली माँ डॉक्टर आयुषी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उनकी जो भय्यू जी महाराज की बेटी जी, जो पहली पत्नी से उनकी एक बेटी थी, उस बेटी की और जो दूसरी पत्नी भय्यू जी महाराज की आयुषी, डॉक्टर आयुषी थी, उनसे बिल्कुल भी 36 का आंकड़ा था, बिल्कुल भी नहीं पटती थी। लेकिन ये भी बातें सामने आई थी कि इसी सबसे बड़ी कलह दूसरी शादी मानी जाती थी उनकी, उस शादी से कहीं ना कहीं उनकी जो बेटी कुहू है बहुत ही ज़्यादा अपोजिट थी उनके, भय्यू जी महाराज के डॉक्टर आयुषी से कई बार झगड़ा भी हो चुका था उसका, लेकिन भय्यू जी महाराज ने हमेशा अपनी बेटी का बचाव किया था, और इस बात से डॉक्टर आयुषी बहुत ही नाराज़ थी भय्यू जी से कि आप मेरी पक्ष नहीं लेते हैं, अपनी बेटी की पक्ष लेते हैं। यानी कि भय्यू जी महाराज पूरी तरीके से अपने परिवार के कलह में पूरी तरीके से फंस चुके थे।
मानसिक प्रताड़ना जो कही जाती है कि परिवार में अगर कलह होता है तो फिर कहीं ना कहीं विनाश के उस रास्ते परिवार जाता है, और वही या तो फिर किसी की जान लेता है या फिर पूरी तरीके से विनाश ही कर देता है। और ये विनाश होने का ही एक पूरा जीता जागता सबूत है कि एक इंसान की अगर जान चली जाती है, वो अपने आत्महत्या कर लेता है, ये सबसे बड़ी परिवार की कलह बन जाती है। आप बाहरियों, जो बाहरी शक्ति है, उससे आप लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं और अपने मामला को कहीं ना कहीं रफा दफा कर सकते हैं, लेकिन परिवार में उपजा जो कलह वो विनाश का कारण बनता है। और ये हिंदुस्तान के हर घर में है, किसी में खुशहाली है तो कहीं ना कहीं कलह की भी, और इतना कलह, हालांकि हर घर में कहीं ना कहीं कलह होता है, बहुत कम देखा जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कहते हैं कि जहाँ चार बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं, वो बचते भी हैं, लेकिन जब वो बर्तनों का तोड़ फोड़ में और जब टेंशन में बदल जाता है और जब वो इतना प्रेशर आ जाता है कि व्यक्ति को सोचने और समझने की शक्ति खो बैठता है, और यही चीज़ भैयू जी महाराज के साथ हुई है। हालांकि इस मौत के ऊपर, आत्महत्या के ऊपर बहुत सारे कहीं ना कहीं बहुत सारे चश्मों से देखा भी जा रहा है कि आखिर भैयू जी जैसा व्यक्ति जो अध्यात्म के रास्ते लोगों को जीने की शिक्षा देता हो, वो व्यक्ति आत्महत्या कैसे कर सकता है? हालांकि आत्महत्या पूरी तरीके से दिखाई जा रही है और आत्महत्या पर मंथन इसलिए हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने अपने सर पर गोली मारी है, और गोली मारने का तरीका कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पिस्टल से ही गोली मारी है। हालांकि इसमें बहुत सारे जो राज हैं वो खुल करके आएंगे, चाहे वो सेवादार को लेकर के हो, चाहे किसी भी को लेकर के हो। अब सूत्रों के मुताबिक इसका कॉल में, जो संदिग्ध कॉल की मैं बात कर रहा था कि गोपनीय नंबर में मिले 3 संदिग्ध नंबर, सूत्रों के मुताबिक इस कॉल डिटेल में 3 संदिग्ध नंबर मिले हैं जिस पर करीब 100 बार बात हुई थी। पुलिस उन लोगों तक पहुंचना चाह रही है जिसने मौत से पहले उनसे फोन पर बात की थी। अब पुलिस को शक है कि आत्महत्या के तार यहाँ से जुड़े हो सकते हैं। इसके साथ पुलिस ने भैयू महाराज के उस गोपनीय नंबर की कॉल डिटेल निकलवा ली है जिसका उपयोग वह खुद के लिए करते थे। उस नंबर पर अनुयायी और परिजन के बहुत कम कॉल आते थे। यानी कि मैं आपको अगर भैयू जी के बारे में जानकारी दे दूं, क्योंकि कई दर्शकों को ये भी मालूम नहीं रहता कि आखिर भैयू जी महाराज कौन है। भैयू जी महाराज का असली नाम उदय सिंह देशमुख था और कपड़ों और ऐड के लिए कर चुके थे मॉडलिंग। और आपको बता दें कि पहली पत्नी का 2 साल पहले हो चुका, उनका निधन हो चुका था, और पहली शादी से उनकी एक बेटी भी थी, और भैयू महाराज बेटी है जो कुहू नाम है उसका, और भैयू महाराज ने दूसरी शादी डॉक्टर आयुषी शर्मा से की थी जिसका बहुत बड़ा कलह का कारण बना है। अब मैं आपको बता दूं कि CSP मनोज रत्नाकर के मुताबिक भैयू जी महाराज के घर से मोबाइल, टैब, लैपटॉप सहित 7 गैजेट्स बरामद किए गए हैं। कई मोबाइल में पैटर्न लॉक लगे थे, उन्हें खुलवाने के लिए एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। मोबाइल के कॉल लॉक, SMS और व्हाट्सएप मैसेज भी जांच की जा रही है। पुलिस ने भैयू जी महाराज, पत्नी डॉक्टर आयुषी, बेटी कुहू और सेवादार सहित करीब 12 नंबरों की कॉल डिटेल मांगी है। इसके साथ पुलिस 5 कमरों की CCTV फुटेज निकलवा रही है, और भैयू जी महाराज के बंगले में CCTV कैमरे में कैमरे लगे हुए हैं। पूरा घर कैमरे से कवर्ड है। पुलिस ने घर से DVR जब्त कर लिया है जिसमें महाराज ने नवरिंग वाला लॉक लगा रखा था। इसके साथ छेड़छाड़ करने पर फुटेज करप्ट होने का डर है। DVR की कोड करने के लिए साइबर सेल, क्राइम ब्रांच और निजी एक्सपर्ट को बुलाया गया है। हालांकि बेटी कुहू के बयान पर टिके पुलिस की नज़रें टिकी हुई हैं। पुलिस की निगाह महाराज की बेटी कुहू पर टिकी है। आज वे अपने बयान पुलिस को दे सकती है। जांच में जुटा दल इस बयान को काफ़ी अहम मान रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक कर्मचारी सरोज योगेश देशमुख, गोलू और गुड्डू प्रवीण देशमुख, राजेश पवार पर पत्नी डॉक्टर आयुषी और के बयान ले चुकी है, और इन बयानों के मद्देनज़र कहीं ना कहीं पुलिस उन सारी चीज़ों पर पहुंच सकती है जो कहीं ना कहीं आरोपी जो हो वो पकड़ा जाएगा या फिर केस का पूरी तरीके से खुलासा हो।
अब शुक्रवार को बयान के लिए कहा है। उसने कहा है कि डॉक्टर आयुषी के अक्सर विवाद होता रहता था, उन्होंने पहली माँ की तस्वीरों को घर से हटा दिया था। यानी कि पहली जो माँ पत्नी थी भय्यू जी महाराज की, उनकी जो है तस्वीरों को लेकर भी बेटी कुहू के बीच और डॉक्टर आयुषी के बीच बहुत तगड़ा कहा सुनी हुई थी, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं भय्यू जी परेशान थे। लेकिन पुलिस में, पुलिस जांच कर रही, उसमें क्या निकल कर आता है ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर और कौन से राज हैं जो खुलते नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।